Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Brain Root series. And here is a book, Cyber Creators. Today we are going to start with chapter number 3 and the name is Let's Edit Worksheet in Excel 2021. So yes, we are going to learn how can we edit worksheets. In this chapter, we will learn how can we select cells. Enter number as text, enter date and time, changing cell content, inserting cell, column and row, deleting columns and rows, changing row height and column width, and copying and moving data, use autofill and flash fill feature. So these all things we are going to learn in this chapter. So let's start with this activity that's given here. You have to label the given diagram. So here you can see there is MS Excel window in front of you. What you have to do, you have to label all these things that are given here. So for example, this A is cell. Similarly, you have to label the rest part of it. Now, Excel is widely used to process complicated mathematical calculations and also allows you to store, organize and analyze the data. Excel kya hai? Ye kafi zyada use kiye jane wala ek means kafi zyada use kiya jata hai. Ye kya karta hai? Ye complicated mathematical calculations ko bhi easily solve kar leta hai, use store kar deta hai, organize kar deta hai aur data ko analyze bhi karta hai. You also learn about its basic feature. आप इसके basic features के बारे में भी पढ़ सकते हैं. जैसे कि how to enter data, कैसे data को enter करना है, calculations को perform करना है, workbook में काम को save करना है, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे easily पढ़ सकते हैं. In this chapter, you will learn the various ways to select the and enter data. इस चैप्टर में आप बहुत सारे तरीके पढ़ सकते हैं डेटा को सेलेक्ट और एंटर करने का. मॉडिफाई द सेल कंटेंट, हम सेल के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं. इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं सेल्स को, कॉलम्स को या रोज को. एंड ऑटोफिल फीचर को यूज कर सकते हैं या फ्लैश फिल फीचर को यूज कर सकते हैं MS Excel में. So these all things we will learn. Let's start with the selecting cells. कैसे cells को select करना है ये हम पढ़ेंगे. You often need to select a group of cells to perform various operations. बहुत सारे काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, cells को select करना होता है. Such as copying, moving, inserting or deleting. So, ये सारे काम हम करते हैं इन सेल्स में, उसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना आना चाहिए. सिलेक्शन ऑफ सेल्स कैन बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो यहाँ कुछ तरीके हैं जिससे हम सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. पहला है टू सेलेक्ट. तो सेलेक्ट करने के लिए हम, अगर हम रो या कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडिंग. जो भी रो सेलेक्ट करनी है उस रो की हेडिंग पे क्लिक करो, या जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है उसकी कॉलम की हेडिंग पे क्लिक करें और हमारा रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा. अब अगला कह रहा है एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है. सो हमें क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल ए बटन. कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है तो पूरा जो वर्कशीट है वो सेलेक्ट हो जाएगा. या फिर हम क्लिक कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल बटन पे, जो कि टॉप में होता है फर्स्ट रो हेडिंग में. अब है एडजेसेंट सेल या एडजेसेंट कॉलम और रो, या फिर किसी रो को या फिर किसी कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है. सो हमें क्या करना है, सेलेक्ट द फर्स्ट रो या कॉलम. तो जो पहला रो या कॉलम है उसे सेलेक्ट करो एंड देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की. शिफ्ट की को होल्ड करना है. व्हेन यू सेलेक्ट द लास्ट रो कॉलम, जब तक आप लास्ट रो कॉलम तक जा रहे हो तब तक शिफ्ट की को प्रेस करिए रखना है. नॉन एडजेसेंट रो और कॉलम मीन्स ऐसे रो और कॉलम जो नॉन एडजेसेंट हो. तो हमें क्या करना है, क्लिक करना है रो या कॉलम पे और फिर होल्ड करना है कंट्रोल की. तो उस रो या कॉलम पे क्लिक करिए, कंट्रोल की को प्रेस करिए. जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं अदर जो दूसरे रो और कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएंगे.
एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट. अब नंबर को कैसे एंटर करना है एज टेक्स्ट के फॉर्म में. यू नो दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा दैट आर कॉमनली यूज. तीन तरीके के डेटा को हम यूज कर सकते हैं. पहला तो होता है टेक्स्ट. ए बी सी डी को हम टेक्स्ट बोलते हैं. नंबर्स 1, 2, 3, 4 को नंबर्स बोलते हैं. एंड डेट. इन सम केसेस यू मे नीड टू ट्रीट वन फॉर्म ऑफ डेटा एज अनदर. कुछ केसेस में क्या होता है, एक ही तरीके के डेटा को दूसरे में हमें कंसिडर करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यू मे नीड टू एंटर नंबर इन अ सेल. आपको नंबर एंटर करने सेल में एंड सेट द फॉर्मेट टू द सेल एज टेक्स्ट. और फॉर्मेट लगा दिया कि ये जो सेल है ये टेक्स्ट प्रिंट करेगा. सच एज इन द केस ऑफ टेलीफोन एरिया कोड. टेलीफोन एरिया कोड जो होता है उस केस में, रोल नंबर के केस में. इन सच अ केस यू कैन टाइप एन अपोस्ट्रोफी बिफोर द नंबर. आपको क्या करना है, उस नंबर से पहले एक अपोस्ट्रोफी लगाना है. लाइक यहां पे आप देख सकते हो, मींस मुझे नंबर टाइप करना था 01481. तो इससे पहले आप देख सकते हो मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है. द डेटा इज नाउ ट्रीटेड एज टेक्स्ट. अब इस डेटा को एज टेक्स्ट ट्रीट किया जाता है एंड डिस्प्लेड इन द सेम फॉर्मेट एज वी एंटर्ड. और जिस फॉर्मेट में हमने एंटर किया है उस फॉर्मेट में ही ये हमें शो होगा. नेक्स्ट है एंटरिंग डेट एंड टाइम. अब डेट और टाइम को कैसे एंटर करना है. यू कैन एंटर द डेट वैल्यू इन द सेल बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द सेल. सेल पे क्लिक करिए और डेट की वैल्यू आप डाल दीजिए. एंड टाइपिंग द डेट वैल्यू. यू कैन सेपरेट द डेट एलिमेंट विथ अ स्लैश. डेट के जो एलिमेंट्स है उसे आप स्लैश से सेपरेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 24/6/1920. तो आप इस स्लैश के मदद से आप क्या कर सकते हो, डेट को सेपरेट कर सकते हो. स्लैश या फिर हाइफन भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 24/6/1920. एक्सेल रिकॉग्नाइजेस एंड सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ डेट फॉर्मेट्स. एक्सेल के पास बहुत सारे डेट फॉर्मेट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. टू डिस्प्ले द एंटर डेट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है सेल को जिसमें डेट लिखनी है आपको. फिर आपको फॉर्मेट पे जाना है. ड्रॉप डाउन बॉक्स है ये सेल ग्रुप के, होम टैब के सेल ग्रुप में. एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन. और फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है. ये है आपका फॉर्मेट सेल ऑप्शन. इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, जैसे आपका ये फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, दिस इज अ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. चूज एनी डिजायर्ड फॉर्मेट ऑफ डेट. अब डेट के कितने सारे फॉर्मेट आपके सामने, जो भी आपको चाहिए उसको चूज कर लीजिए. एंड इट इज टू बी डन इन द कैटेगरी लिस्ट ऑन द नंबर टैब. नंबर टैब में, तो ये है आपका नंबर टैब. इसके कैटेगरीज में आप जाके डेट को सिलेक्ट कर सकते. सिमिलरली यू कैन चूज फ्रॉम डिफरेंट टाइम फॉर्मेट बाय क्लिकिंग ऑन द टाइम ऑप्शन इन द कैटेगरी लिस्ट. तो कैटेगरी लिस्ट में आपको टाइम भी दिख रहा है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, जो भी चीज चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं. सो इस तरीके से हम डेट और टाइम को एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है चेंजिंग द सेल कंटेंट. अब सेल के कंटेंट को कैसे चेंज करें. द कैरेक्टर्स एंड नंबर्स टाइप्ड इन द वर्कशीट कैन बी सीन बोथ इन अ सेल एज वेल एज ऑन द फॉर्मूला बार. सो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं वर्कशीट में, इन्हें देखा जा सकता है. कैन बी सीन बोथ इन द सेल, इन्हें सेल्स में भी देखा जा सकता है और फॉर्मूला बार पे भी दिखाई देते हैं ये. एंटर द कंटेंट एंड प्रेस ईदर द एंटर की और एंटर बटन. तो या तो एंटर बटन पे क्लिक करें या एंटर की पे प्रेस करें, वो कंटेंट आपको दोनों जगह दिखाई देगा. ऑन द फॉर्मूला बार टू एक्सेप्ट द एंट्री. सो चिल्ड्रेन ये आप देख सकते हो, ये जो एरिया है, दिस पार्ट इज योर फॉर्मूला बार. एफ एक्स के सामने जो एरिया है ये आपका फॉर्मूला बार. तो जो भी आप डिटेल्स यहाँ डालोगे वो सब कुछ आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा. वेन यू टाइप द न्यू
डेटा इन अ सेल. जब आप टाइप करते हैं नया डेटा किसी भी सेल में, द टू बटन्स नेमली कैंसिल एंड एंटर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार बिकम एक्टिव. तो जैसे ही आप कोई डेटा डालते हैं तो ये जो दो बटन है कैंसिल और एंटर, ये दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं आपके फॉर्मूला बार में. सेल कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड इन टू वेज. ये जो सेल का कंटेंट है इसे दो तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है. पहला है बाय रिप्लेसिंग कंटेंट, कंटेंट को रिप्लेस कर दो, या फिर एडिट मोड में जाके उसे एडिट कर दो. तो चलिए देखते हैं क्या है रिप्लेसिंग द सेल कंटेंट, सेल कंटेंट को कैसे रिप्लेस किया जाए. सो यू कैन एडिट द सेल कंटेंट डायरेक्टली और एंड रिप्लेस हिम विद अ न्यू वन. तो सेल कंटेंट को डायरेक्टली हम एडिट कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं नई एंट्री से. सो पहले हमें क्या करना है, न्यू वर्कशीट पे जाना है. ये जो डेटा दिया गया है ऐसे हमें डेटा फिल करना है जिसमें रिपोर्ट दी गई है रोल नंबर 101 से लेके 109 तक, और अजय से रीति तक, एंड उनके टोटल मार्क्स दिए गए हैं, परसेंटेज दिए गए हैं. तो आपको क्या करना है, एक नई वर्कशीट खोलनी है और उसमें ये डेटा एंटर करना है. अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट द सेल फॉर एग्जाम्पल D6. तो हमने क्या किया, D6 जो हमारा सेल है उसे हमने यहाँ पे आके सेलेक्ट किया. मीन्स वीर का सेल हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे. हुज कंटेंट हैज टू बी चेंज, तो ये 65 को हमें चेंज करना है. नाउ टाइप 65 इन दैट सेल एंड प्रेस एंटर की. नोट दैट द प्रीवियस वैल्यू 56 इज रिप्लेस्ड विद 65. तो यहाँ पे गलती से 56 टाइप हो गया था, लेकिन क्या होना चाहिए था, इसे 65 बनाना था. तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल को और वहां जाके बस 65 लिख देंगे. तो ये क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया. सिमिलरली ट्राई टू चेंज द कंटेंट ऑफ अदर सेल्स. जो दूसरे सेल्स है उसके भी कंटेंट को आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो. जैसे प्रियम की जगह प्रिया लिखना था तो प्रियम वाले सेल पे गए और आपने प्रिया लिख दिया, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया सेल का कंटेंट. अब जो दूसरा है वो है एडिट मोड को यूज करके कंटेंट को चेंज करना. सो सेलेक्ट सेल D6, फिर से हम D6 को सेलेक्ट कर रहे हैं एंड डबल क्लिक ऑन द सेल. डबल क्लिक कर दो सेल पे, दो बार क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन से, या फिर F2 बटन को क्लिक कर दीजिए जो आपके कीबोर्ड में है. एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होने लगेगा और आप कंटेंट इसमें लिख सकते हो. द इंसर्शन पॉइंट विल ब्लिंक इन टू द सेल. यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लगेगा. नोट दैट द एडिट मोड इज इंडिकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द स्टेटस बार. स्टेटस बार के टॉप लेफ्ट में आपको ये एडिट मोड दिखाई देगा. एंड पोजिशन ऑफ द पॉइंटर एट द डिजायर्ड प्लेस एंड चेंज द कंटेंट ऑफ द सेल. अब आप इस तरीके से सेल के कंटेंट को चेंज कर सकते हो. एंटर की को प्रेस करें और जो नंबर आपने चेंज किया है वो वहाँ पे आपको शो होने लगेगा. नाउ दैट द एडिट मोड इंडिकेटर चेंज टू द रेडी मोड. अब ये करने के बाद जो एडिट मोड का इंडिकेटर है वो रेडी मोड पे चला जाएगा. Now children, there is a note for you. After making modification in the cell, you may wish to cancel the changes or retrieve the previous data. For this, you can use the undo or redo button. That undo or redo feature in your Excel respectively. मान लो कि आपने जो भी चीज़ चेंज की है उसे आपको नहीं करना है, आप जस्ट गलती से कर दिया या जो भी रीज़न हो, तो अगर आप उस चेंज को कैंसिल करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अंडू या फिर रीडू फीचर को यूज़ करना है जो आपकी एक्सेल में पहले से अवेलेबल है. द अंडू कमांड कैंसल्स द लास्ट एक्शन. जो भी आपने पहले किया था उसे कैंसिल कर देता है. वेयर एज द रीडू कमांड इज यूज टू क्विकली रिपीट द एक्शन. रीडू कमांड उस एक्शन को वापस से रिपीट कर देता है दैट यू हैव अनडन यूजिंग द अंडू कमांड. अंडू कमांड में आपने जो भी गलती से कर दिया था अंडू, उसे वापस से रीडू कमांड कंडक्ट कर देता है. टू डू सो क्लिक द अंडू एंड रीडू बटन. ऐसा करने के लिए हमें अंडू और रीडू बटन को क्लिक करना है क्विक एक्सेस टूल बार पे. यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट की. आप शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड फॉर द अंडू एंड कंट्रोल वाई फॉर रीडू एक्शन. तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी दिए गए हैं. कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं और कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हैं कंटेंट को. इंसर्टिंग सेल कॉलम एंड रो. तो चलिए अब सीखते हैं कैसे हमें सेल्स को इंसर्ट करना है, कॉलम्स को इंसर्ट करना है या फिर रोज को इंसर्ट करना है.
At times while entering data, you may miss out certain entries. जब आप डेटा को एंटर कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ एंट्रीज को आप मिस कर दें. In such situation, you may have to insert some cells. आपको कुछ सेल्स इंसर्ट करने हो सकते हैं, कॉलम्स इंसर्ट करने हो सकते हैं या फिर रोज इंसर्ट करने हो सकते हैं वर्कशीट में टू अकोमोडेट द न्यू डेटा. न्यू डेटा को अकोमोडेट करने के लिए लेट्स लर्न हाउ कैन इट बी डन. चलिए पढ़ते हैं कैसे हम सेल्स, कॉलम्स और रोज को इंसर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है इंसर्टिंग ब्लैंक सेल्स. खाली सेल को कैसे इंसर्ट करना है. देर आर टू वेज टू इंसर्ट ब्लैंक सेल्स. ब्लैंक सेल को इंसर्ट करने के दो तरीके हैं. पहला है जो भी रेंज ऑफ सेल्स है उसे सेलेक्ट करिए जहाँ से आप जो है इंसर्ट करना चाहते हैं ब्लैंक सेल जहाँ पे भी. एंड यू शुड लीव द सेम नंबर ऑफ सेल्स एज यू वॉन्ट टू इंसर्ट द इन योर स्प्रेडशीट. नाउ राइट क्लिक ऑन द रेंज एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन. अब उस रेंज पे क्लिक करें और इंसर्ट ऑप्शन पे जाएं और सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप. सेल्स ग्रुप में जाएं, वहां से जाके आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है. फिर आपको इंसर्ट सेल ऑप्शन पे जाना है. ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा तो इसमें से आपने इंसर्ट सेल पे क्लिक कर लिया. इन बोथ द केसेस यू विल गेट द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स. दोनों ही केस में चाहे आप ऊपर वाला स्टेप अपनाएं या फिर नीचे वाला, दोनों में ही आपको ये सेल ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखेगा. देर आर फोर डिफरेंट ऑप्शंस टू चूज. चार ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट शीट. चूज विद इन द डायलॉग बॉक्स एज डिस्प्लेड इन फिगर. जो भी आपको चाहिए उसको चूज करें एंड ओके बटन पे क्लिक कर दें. अब आप देख सकते हो शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो या फिर एंटायर कॉलम. तो जो भी आपको चाहिए उसमें आप क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दें. अगर आप राइट पे करते हैं तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सेल, डाउन की तरफ करते हैं तो सेल जो है डाउन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एंटायर रो पे करेंगे तो पूरा रो शिफ्ट हो जाएगा, एंटायर कॉलम पे करेंगे तो पूरा कॉलम शिफ्ट हो जाएगा. सो चूज व्हाट यू वांट. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ कॉलम और रो. कैसे हमें कॉलम या फिर रो को इंसर्ट करना है. टू इंसर्ट अ कॉलम और रो फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना है. पहला है सेलेक्ट द कॉलम और सेल टू द लेफ्ट ऑफ विच अ न्यू कॉलम इज टू बी इंसर्टेड. तो उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके नीचे या ऊपर आपको जो है इंसर्ट करना है कॉलम को. फॉर एग्जाम्पल कॉलम ई, तो कॉलम ई को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया. दिस इज कॉलम ई. नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द इंसर्ट बॉक्स. अब हमें जो है इंसर्ट बॉक्स में जाना है. इसमें जाके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है. इन द सेल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब ना चूज द इंसर्ट शीट कॉलम. अब हमें यहाँ पे जाके इंसर्ट शीट कॉलम पे जाना है, वहाँ पे चूज करना है. एक्सेल इंसर्ट अ ब्लैंक कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम. सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये परसेंटेज पहले यहाँ था, जैसे हमने इंसर्ट किया तो ये परसेंटेज इधर खिसक गया और यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया टोटल ऑफ परसेंटेज के बीच में. Excel inserts a blank column to the left of the column E and shifts the entries of column E to F. और E की जो भी entries थी वो F तक वो भेज देगा. Next आप देख सकते हो अब row को कैसे हमने insert किया है. Same procedure is to be followed. हमें जो है row को select करना है, फिर जो है जिस भी row के जहाँ पे भी हमें insert करना है वहाँ पे हम select करेंगे. You can insert a row in the same way As you insert a column. जैसे कॉलम किया है वैसे रो हमें इंसर्ट करना है. हमें सेलेक्ट करना है रो या सेल जिसके ऊपर या फिर नीचे हमें जो है नया रो बनाना है. अब हमें क्या करना है, इंसर्ट रो शीट में जाना है. फ्रॉम द ऑप्शन प्रेजेंट अंडर द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स. इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में से इंसर्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स में से हमें इंसर्ट शीट रो पे जाना है एंड वहाँ पे हमें सेल्स ग्रुप में जाके इसे सेलेक्ट करना है. एंड वी हैव टू फॉलो दी स्टेप्स दैट आर गिवन हियर. ऐसा हमें फॉलो करने के बाद हमें क्या करना होगा,
हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 101 और 102 के बीच में एक जो है रो जो है इंसर्ट हो चुकी है. सो लाइक दिस वी कैन इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट. नेचुरली लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स. मान लो कि हमें बहुत सारे रोज या बहुत सारे कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, बहुत सारे सेल्स इंसर्ट करने हैं, तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ कॉलम, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसे सेलेक्ट करें, रो सेल दैट यू वॉन्ट टू इंसर्ट. टू इंसर्ट नॉन एडजेसेंट कॉलम, नॉन एडजेसेंट कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होल्ड डाउन द कंट्रोल की, हमें कंट्रोल की को पकड़े रखना है व्हाइल यू सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट कॉलम, जब आप नॉन एडजेसेंट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं. तो चलिए अब आते हैं डिलीटिंग कॉलम्स एंड रोज. कॉलम और रो को कैसे डिलीट करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे. टू डिलीट एनी कॉलम और रो फ्रॉम द वर्कशीट, वर्कशीट में से रो या कॉलम को सेलेक्ट डिलीट करना है तो उसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स. पहले हमें उसे सेलेक्ट करना है जिस कॉलम को या रो को हमें डिलीट करना है बाय क्लिकिंग ऑन इट्स हेडिंग, उसके हेडिंग पे क्लिक करके. नाउ क्लिक ऑन द डिलीट ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द सेल्स ग्रुप. सेल ग्रुप में जाके जो कि होम टैब में, वहां से जाके हमें डिलीट बटन पे क्लिक करना है एंड द डिलीट शीट कॉलम विल ओपन, वहां से हम डिलीट कर सकते हैं. दूसरा तरीका है राइट क्लिक करें उस हेडिंग पे, जो भी हेडिंग है जिसे डिलीट करें, हेडर है उस पे हमें क्लिक करना है राइट क्लिक एंड सेलेक्ट और द सेलेक्ट कॉलम एंड चूज द डिलीट ऑप्शन. अब जैसे हमने राइट क्लिक किया इस सेलेक्ट पे, मीन्स इस हेडर पे, तो आपके सामने ये लिस्ट आ गई जिसमें से हम डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वो जो आपका जो कॉलम है या जो रो है वो डिलीट हो जाएगा. यू कैन डिलीट अ रो इन द सेम वे एज यू डिलीट अ कॉलम. जो रो है उसे उसी तरीके से आप डिलीट कर सकते हो जैसे आपने कॉलम को किया है बाय क्लिकिंग ऑन रो हेडर. रो हेडर पे क्लिक करके और चूज करके डिलीट शीट रो, डिलीट शीट रो को चूज करके फ्रॉम द ऑप्शंस प्रेजेंट एंटर द डिलीट ड्रॉप डाउन बटन. तो ये जो ऑप्शन कहाँ पे है, ये डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के नीचे प्रेजेंट आपको मिलेगा. या फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है उस रो हेडिंग हेडर पे और चूज करना है डिलीट ऑप्शन एंड द हेडर विल बी डिलीटेड. नेक्स्ट इज चेंजिंग रो हाइट एंड कॉलम विड्थ. अब रो के हाइट और कॉलम के विड्थ को कैसे चेंज करना चाहिए. सो इन एक्सेल यू कैन एडजस्ट द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ ऑफ द वर्कशीट एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो यहाँ पे एक्सेल में अगर आपको रो के हाइट या फिर कॉलम के विड्थ को चेंज करना है तो आपको क्या करना है, लेट्स सी. फर्स्ट इज चेंजिंग रो हाइट, रो के हाइट को चेंज करना है. टू चेंज द रो हाइट फॉलो द गिवन स्टेप्स. जो स्टेप्स दिए गए उसे फॉलो करना है. सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए रो जिसके कॉलम को आपको बड़ा या फिर छोटा करना है. नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉर्मेट बटन. फॉर्मेट बटन में जाके वहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बटन आएगा उसमें हमें क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे, जो कि सेल्स ग्रुप के होम टैब में प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जाके हमें रो हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है. ये है हमारा रो हाइट ऑप्शन. द रो हाइट डायलॉग बॉक्स विल अपियर. ये जो रो हाइट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. तो ये देखिए रो हाइट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया. द रो हाइट डायलॉग बॉक्स विल अपियर, एंटर द डिजायर्ड वैल्यू एंड क्लिक ऑन ओके. जो भी हमें वैल्यू डालनी है उस पर हमने क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया. द चेंज विल रिफ्लेक्ट इन द सिलेक्टेड रो. उस सिलेक्टेड रो में वो चेंज आपको दिखाई देगा. नेक्स्ट इज चेंजिंग द कॉलम विड्थ. अब कॉलम के विड्थ को कैसे चेंज करना है. टू चेंज द कॉलम विड्थ फॉलो द गिवन स्टेप्स. ये जो स्टेप्स है उन्हें फॉलो करना है. पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है उस कॉलम को जिसका हमें विड्थ चेंज करना है. अब हमें होम टैब के फॉर्मेट बटन में जाना है, वहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है. अगेन हम आगे फॉर्मेट बटन पे. अब यहाँ से हमें कॉलम विड्थ पे जाना है. दिस इज कॉलम विड्थ. द कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स विल अपियर. अब हमारे सामने कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स आ चुका है. एंटर द डिजायर्ड वैल्यू एंड क्लिक ऑन ओके. जो भी हमें वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्लिक करना है और ओके पे प्रेस करना है. ऑब्जर्व द चेंज
टू अनसेलेक्टेड कॉलम, हमें ये जो चेंज है उसे सेलेक्टेड कॉलम पे ही लगाना है। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो जो रो की जो विड्थ है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स कॉपिंग एंड मूविंग द डेटा, कैसे हम डेटा को कॉपी या फिर मूव कर सकते हैं। सो कॉपिंग डेटा रेफर्स टू डुप्लीकेटिंग द डेटा, कॉपिंग डेटा का मतलब है डेटा को ड्यूप्लीकेट करना। दैट इज टेक्स्ट नंबर्स फॉर्मूलाज ईदर इन द सेम वर्कशीट और इन डिफरेंट वन, इसे कॉपी या फिर मूव कैसे करना है। सो मूविंग द डेटा रिफर्स टू चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द डेटा, मूविंग द डेटा का मतलब होता है डेटा की पोजिशन को चेंज करना। ईदर इन द सेम वर्कशीट और इन डिफरेंट वन, या तो उसी वर्कशीट में करें या फिर दूसरी में करें। द मूव्ड और कॉपी डेटा इज स्टोर टेम्परली, ये जो मूव डेटा है ये जो है थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कंप्यूटर मेमोरी के, और इसे हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्लिपबोर्ड पे वो डेटा स्टोर हो जाता है जब भी हम कॉपी करते हैं। टू मूव एंड कॉपी डेटा यूज अ कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड, तो डेटा को मूव करने के लिए हमें कट कॉपी या फिर पेस्ट कमांड यूज कर सकते हैं, चाहे हमें कट करना हो चाहे उसे हमें कॉपी करना हो। नेक्स्ट कम्स कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा, कैसे हम डेटा को कॉपी या फिर पेस्ट कर सकते हैं। टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डेटा फॉलो द गिवन स्टेप्स, अगर मान लीजिए आपको किसी डेटा का डुप्लीकेट कॉपी निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले उस डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उन सारे रोज को मैंने सेलेक्ट कर लिया या कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया, तो हमने B4 से D4 तक सेलेक्ट किया है। अब हम कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉपी बटन क्लिपबोर्ड ग्रुप में। अ डैश लाइन विल अपीयर अराउंड द सेलेक्टेड सेल, तो जो भी सेल हमने सेलेक्ट किया आप देख सकते हो डैश वाली लाइन वहाँ पे आ जाएगी। अब जहाँ पे भी डेटा हमें कॉपी करना है वहाँ पे हम जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कॉपी करें तो यहाँ पे हम गए, एंड लेट से F6 में हमें फिल करना था इस डेटा को, तो अब हमने पेज बटन पे क्लिक किया जो कि आपको फिर से क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा होम टैब के। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा, नए लोकेशन पे पहुँच जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पेस्ट किया जाए इस डेटा को बार बार इस डेटा को आप पेस्ट करना चाहते हो, मीन्स अजय के जो मार्क्स है वो 10-50 टाइम्स आप पेस्ट करना चाहते हो, आप बार बार पेस्ट बटन को क्लिक करते जाइए अलग अलग सेल्स में जाके, और वो डेटा बार बार आपको पेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। नाउ देयर इज अ हॉट टिप दैट टू क्लियर द सिलेक्शन प्रेस द एस्केप की, अगर आपने जो भी सेलेक्ट किया उसे आपको बाहर निकलना तो आपको सिर्फ एस्केप की को प्रेस करना है। तो अभी हमने पढ़ा हाउ टू कॉपी द डेटा, अब हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मूव द डेटा, डेटा को कैसे मूव करना है। मूव का मतलब होता है चिल्ड्रेन कि वो डेटा वहाँ जहाँ पे था वहाँ से हट जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। सो समटाइम्स यू फाइंड दैट द करेंट प्लेसमेंट ऑफ द डेटा टू बी नॉट अप्रोप्रिएट, मीन्स डेटा की जो जगह है वो सही नहीं है। यू डू नॉट नीड टू डिलीट और रीटाइप इट, आपको उस डेटा को डिलीट या फिर रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल अलाउज यू टू मूव द डेटा इन अ वर्कशीट, एक्सेल आपको अलाउ करता है उस डेटा को वर्कशीट में भेजने में। द टू मेथड्स टू मूव डेटा आर एक्सप्लेन एज फॉलोज, तो दो तरीके दिए गए हैं डेटा को लिखने के, और वो क्या है, यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो पहला आता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, जिससे आप किसी भी चीज़ को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स को हमें सेलेक्ट करना है। आप जो पोजिशन द माउस पॉइंटर एट द एज ऑफ द सेलेक्टेड सेल, जो भी मान लो मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया है तो इसका जो ये कॉर्नर है यहाँ पे हमें क्या करना है, जाना है। नोटिस दैट द पॉइंटर चेंज फ्रॉम द वाइट क्रॉस सिंबल टू अ मूव पॉइंटर सिंबल, मीन्स ये प्लस का निशान आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये प्लस का निशान बन जाएगा। नाउ ड्रैग द सिलेक्टेड सेल टू अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ न्यू डेस्टिनेशन, हमें ड्रैग करना है उन सिलेक्टेड सेल्स को नए रेंज ऑफ सेल्स में एक नई डेस्टिनेशन पे, एंड रिलीज कर देना है माउस बटन, द डेटा विल बी मूव टू अ न्यू लोकेशन, और जो डेटा है वो नई लोकेशन तक पहुंच जाएगा।
यूजिंग कट एंड पेस्ट कमांड. कैसे हम कट और पेस्ट कमांड को यूज करते हैं. यू कैन ऑल्सो मूव द डेटा बाई यूजिंग द शॉर्टकट मेन्यू. आप डेटा को मूव कर सकते हैं शॉर्टकट मेन्यू को भी यूज करके. राइट क्लिक ऑन द सेल टू ओपन द शॉर्टकट मेन्यू. आपको क्या करना है, सेल पे आपको जो है राइट क्लिक करना है शॉर्टकट मेन्यू में और सेलेक्ट करना है कट कमांड. कट कमांड को सेलेक्ट करना है. नाउ सेलेक्ट द डेस्टिनेशन सेल. जो भी डेस्टिनेशन सेल है जहां पे भी आपको वो ले जाना है उस पे आपको क्लिक करना है. राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज द पेस्ट ऑप्शन. तो हमने यहां से इसको सेलेक्ट किया और यहां पे आके हम इसको पेस्ट कर रहे हैं. यू कैन ऑल्सो मूव द डेटा बाय सिलेक्टिंग द कट पेस्ट बटन ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में गए, आपने सेलेक्टेड डेटा को वहां से कट किया और यहां पे लाके पेस्ट कर दिया. तो दोनों तरीके हैं, जो भी आपको लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं. अनदर टिप इज द शॉर्टकट की फॉर कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस आर कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज यूजिंग ऑटो फिल एंड फ्लैश फिल फीचर. कैसे हम ऑटो फिल और फ्लैश फिल फीचर को यूज कर सकते हैं. एक्सेल क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है दो बहुत ही वंडरफुल फीचर्स, ऑटो फिल और फ्लैश फिल, टू एंटर द डेटा क्विकली इन वर्कशीट इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इट मैनुअली. मैनुअली बार बार एक ही डेटा को, एक ही नाम को बार बार एंटर करने से अच्छा एक्सेल क्या करता है, हमें वो डेटा पहले से फिल करके देता है. चलिए तो पढ़ते हैं क्या है ऑटो फिल फीचर. सो ऑटो फिल इज द इजिएस्ट मेथड टू फिल कॉन्सिक्यूटिव डेटा आइटम्स. एक के बाद एक आने वाले जो डेटा आइटम्स हैं उन्हें बहुत ही इजी तरीके से ऑटो फिल फीचर कंप्लीट करता है. इन द सेल्स ऑफ द वर्कशीट लेट्स लर्न हाउ टू यूज द ऑटो फिल फीचर. तो चलिए पढ़ते हैं कैसे हम इस ऑटो फिल फीचर को यूज कर सकते हैं. तो हमें पहले क्या करना है, टाइप करना है जनवरी. B1 में हमने जनवरी टाइप किया. पोजिशन द पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल. सेल का जो लोअर राइट कॉर्नर है वहां पे हम पॉइंटर को ले जाते हैं. द माउस पॉइंटर चेंज इनटू अ ब्लैक क्रॉस हेयर सिंबल. अभी ब्लैक कलर के क्रॉस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंटर. अब इस माउस बटन को हमें ड्रैग करके नीचे तक लेके जाना है सेल B5 तक और वहां जाके माउस के पॉइंटर को छोड़ देना है. द मंथ्स फ्रॉम फेब्रुअरी टू मे वुड अपियर इन सेल B2 to B5. तो जैसे ही हमने माउस को यहाँ से ड्रैग करके फिफ्थ नंबर तक ले गए तो जनवरी के बाद अपने आप फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल और मई लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा. तो ये है हमारा ऑटो फिल फीचर जो क्या करता है, कॉन्सिक्यूटिव डेटा आइटम्स को एक के बाद एक फिल कर देता है. अगला आता है फ्लैश फिल फीचर. सो वॉट इज फ्लैश फिल फीचर. फ्लैश फिल इज अ टाइम सेविंग फीचर. ये हमारा टाइम सेविंग फीचर हमारा टाइम बचाता है. विच आइडेंटिफाइज द पैटर्न इन द डेटा दैट यू हैव यूज इन अ वर्कशीट. ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को जो भी हमने यूज किया है अपनी वर्कशीट में. एंड देन फिल्स द रिमेनिंग सीरीज अकॉर्डिंगली. और फिर जो बची हुई सीरीज है उसे उसके अकॉर्डिंग फिल करता है. लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. चलिए ये जो टास्क है इसे परफॉर्म करते हैं. पहले हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है बच्चों के नाम की ऑफ योर क्लास एंड नेम द कॉलम एज स्टूडेंट्स नेम. तो अब इस कॉलम को हमने बना लिया जिसमें हमने लिख दिया है स्टूडेंट्स नेम. नेक्स्ट इज एडजेसेंट टू दिस कॉलम क्रिएट टू कॉलम्स. अब इस कॉलम के बगल में हमें दो और कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो अलग अलग कॉलम्स बनाए हमने. Now in the first name column, start typing the first name of the first student. तो जो पहला बच्चा है उन बच्चों के first name हमने यहाँ पे type कर दिए. Now press the down arrow key and bring the cursor to the lower cell. और जो arrow key है उसे press करके नीचे की तरफ ले आना है. Again type the first name of the second student. आप जो है अगले बच्चे का first name हम type करेंगे. You can observe the Excel senses पैटर्न. अक्सर को पता चल जाता है कि हम वही पैटर्न यूज कर रहे हैं जो हमने पहले कॉलम में
लगाया था। तो यहाँ पे हमने अजय कुमार लिखा था, तो इसमें हमने यहाँ पे अजय लिख दिया। संजय सिंह में से मैंने यहाँ पे संजय लिख दिया। तो ये एक्सेल को पता चल जाता है कि हम सेम पैटर्न को यूज कर रहे हैं। एंड शोज अ प्रीव्यू ऑफ डेटा टू बी ऑटोफिल्ड इन द फॉलोइंग सेल। तो ये क्या करेगा, हमें प्रीव्यू दिखाएगा कि बाकी आप शायद वीर फिल करना चाहते हैं, प्रियम फिल करना चाहते हैं, सिमरन, अकी, साहिबा, अंगद या फिर रीति फिल करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि डेटा ठीक है तो आपको क्या करना है, एंटर की को प्रेस कर दीजिए और जितने भी प्रीव्यूज हैं उन सबको एक्सेप्ट कर लीजिए और जो डेटा है अपने आप फिल हो जाएगा दिए गए सेल्स में। सिमिलरली हमें फिल करना है डेटा लास्ट नेम कॉलम में। तो अब लास्ट नेम में मैंने यहाँ कुमार लिख दिया, यहाँ सिंह लिख दिया, तो फिर से एक्सेल को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो एक्सेल मुझे बाकी के जितने भी सरनेम्स हैं उनका एक कॉपी आप कह सकते हो या फिर एक प्रीव्यू दिखाएगा, और उस प्रीव्यू को अगर हमें लगता है कि ठीक है तो हम उसको एंटर कर देंगे और क्या करेगा एक्सेल, फिर वो सारे सरनेम्स अगले कॉलम में, मींस लास्ट नेम के कॉलम में आपको लिख के शो करेगा। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा बाइट। Flash fill in Excel allows you to automatically fill cell based on a pattern. तो flash fill क्या करता है, एक pattern को observe करता है और उसके तरीके से चीज़ों को fill कर देता है। But it works in a different way than autofill. लेकिन ये autofill से अलग तरीके से work करता है। Flash fill uses machine learning algorithm. Flash fill क्या करता है, machine learning algorithm को use करता है टू रिकोगनाइज पैटर्न, पैटर्न को रिकोगनाइज करने के लिए। इन योर डेटा एंड ऑटोमेटिकली फिल सेल्स बेस्ड ऑन द पैटर्न, और सेल्स को फिल कर देता है उनके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिवाइंड बिकॉज द चैप्टर इज ओवर हियर। सो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट यू हैव टू बिगिन द एंट्री विद एन अपोस्ट्रोफी। द अपीयरेंस ऑफ डेट एंड टाइम ऑन अ वर्कशीट depends on the date and time format applied to the cell. You can edit the cell content directly and replace them with a new entry. The cell content can also be modified by using the F2 key. The shortcut key to perform cut, copy, paste operations are Ctrl X, Ctrl C and Ctrl V respectively. Autofill is the easiest method to fill data in the cells automatically. Flash fill is a time saving feature which identifies a pattern in data that you have used in a worksheet and then fills the remaining series accordingly. So this was all that we have learned, children. Now let's move on to book exercise, which is check yourself. Here let's move on to the first part, A part, which is take the correct option. So the first question over here is you can type and dash before a number in a cell to have it treated as text. So text ki tarah treat karne ke liye aapko kya insert karna padega? Aapko insert karna padega ek apostrophe. This is apostrophe. Next, when you finish editing in a cell, जब आपने editing को finish कर लिया है, Excel returns to the mode. Excel कौन से mode में आ जाता है? So when we finish editing in a cell, the Excel moves on to the ready mode. तो editing के बाद ये ready mode में पहुंच जाता है. So children, like this you have to do the rest two questions yourself. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is the appearance of date and time in a worksheet depends on the date and time format applied to the cell. The moved or copied data is stored temporarily in a location in the computer memory called clipboard. Now, these two questions are your homework, children. Do it yourself. Let's move on to true or false. So here the first question in the true and false column is copying refers to placing data from one place to another. Ek jagah se data ko dusri jagah pe rakhne ko hum copying kehte hain. This is false.
कंट्रोल ए की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सिलेक्ट अ रो. रो को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए यूज करते हैं? नो, वी यूज इट फॉर सिलेक्टिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट. सो दिस इज अगेन फॉल्स हियर. सिमिलरली यू हैव टू डू द रेस्ट टू क्वेश्चंस चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू एडिट डेटा इन वर्कशीट. सो वी कैन एडिट डेटा इन वर्कशीट by clicking on that a particular cell or the row or the column, and we can also right click double click on that row or the cell to edit it, and also we can press F2 key and edit the content. So these are a few ways in through which we can edit the data in a worksheet. Now children, let's move on to second question. How will you select a range of non-adjacent columns in a worksheet? So for selecting non-adjacent range of columns in a worksheet, first we have to click on that particular row or column, and then we have to click on the press the control key till we select the other rows or the columns. So like this we can select the range of cells or columns. Now children, there are two more questions in your book. These are: what is autofill feature, how is it useful, and the fourth one is: what is the use of flash fill feature in Excel. So these questions, the remaining questions children, you have to do it yourself. It's your homework, and with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you, and I'll be waiting for you with a new video. Till then children, stay tuned, and thanks for watching.